हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे पास है ये वन प्लस इलेवन आर 5G फ़ोन, जो कि बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो शायद ही आपको पता होंगे, और ये फीचर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये फीचर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर, आप ऐसे लॉक स्क्रीन पर वी ड्रा करेंगे तो आपके फ़ोन में जो टॉर्च है वो ऑन हो जाती है, और टॉर्च को बंद करने के लिए आपको फिर से लॉक स्क्रीन पर ऐसे वी ड्रा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉर्च बंद हो जाती है। इस फीचर की मदद से आप अपने फ़ोन में बिना अनलॉक किए टॉर्च ऑन कर सकते हैं। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जाना है जेस्चर्स एंड मोशंस में। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, उसके अंडर ये ऑप्शन मिल जाता है, ड्रॉ ए वी टू टर्न टॉर्च ऑन और ऑफ। इसको आपको इनेबल कर लेना है, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर बाकी कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं, तो आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, और फिर से आप यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशंस में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एयर जेस्चर्स, ये फीचर आपको कॉल्स आंसर या म्यूट करने में काम आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे इस फीचर को यूज़ करना होता है। तो जैसे आपको कॉल आ जाती है तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ क्लिक कर रहे हैं तो ऐसे कॉल आंसर हो जाएगी, और अगर आपको म्यूट करना है तो ऐसे आपको होल्ड करना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए। तो है ना दोस्तों, कमाल का फीचर। इस फीचर के लिए एक लाइक तो बनता है। तीसरा जो कमाल का फीचर है, मुझे लगता है फ्लोटिंग विंडोज़ का। इसमें आप बेसिकली, अगर आपने कोई ऐप ओपन की हुई है तो बॉटम से आप इसको स्वाइप करेंगे और होल्ड करेंगे, स्वाइप एंड होल्ड ऐसे करेंगे, और ऊपर ऑप्शन आ जाता है रिलीज़ का। जैसे आप रिलीज़ करेंगे तो आपको जो ऐप है ये फ्लोटिंग विंडो में तब्दील हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे साइड में भी ले जा सकते हैं, ये हाइड हो जाती है ऐसे, फिर आपको इसको ऐसे एक्सेस कर लेना है। ये फीचर सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर मुझे लगता है। आप होम स्क्रीन पे जो भी फोल्डर बनाए हुए हैं आप उसको एनलार्ज कर सकते हैं। आपने इस फोल्डर के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स रखे हैं आप उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, फोल्डर को बिना ओपन किए आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, और आप फोल्डर के अंदर ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे अमेजिंग फीचर है, और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये स्प्लिट स्क्रीन का शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा। आपको किसी भी ऐप में नीचे से ऊपर की तरफ थ्री फिंगर से स्वाइप कर लेना है, स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। स्प्लिट स्क्रीन में आप दो ऐप्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। इस फीचर को आप बार बार यूज़ करेंगे, क्योंकि इस फीचर की मदद से आप यूट्यूब बैकग्राउंड प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको अभी तक के फीचर्स पसंद आए हुए होंगे, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करते जाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। थ्री फिंगर्स को आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है, जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट उठाना होगा, तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर्स से ले सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको थ्री फिंगर स्वाइप डाउन इनेबल कर लेना है। साथ में यहाँ पे ऑप्शन आता है थ्री फिंगर टच एंड होल्ड, आप ऐसे टच एंड होल्ड करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, और लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
जैसे आपने 3 फिंगर्स को स्वाइप डाउन किया, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रॉल का। अगर आपके लिए प्राइवेसी मैटर करती है तो आपको ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आप गैलरी में कोई भी फ़ोटो या वीडियो हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे मिलता है एल्बम्स का ऑप्शन, उस पर आपको टैप एंड होल्ड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट पासवर्ड फर्स्ट, मतलब आपको पहले अपना प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जो आप इस सिक्योर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए फिर यूज़ करेंगे। तो ऐसे आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं गैलरी के अंदर। तो यहाँ पे आप ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन में ऐप ड्रॉअर ओपन कर लेना है और लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे स्वाइप कर लेना है। फिर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ से आप अपने हिडन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशंस काफ़ी कूल लगती हैं जब आप अपने फ़ोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं। तो फिंगरप्रिंट एनिमेशंस को एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अवेलेबल बहुत सारी एनिमेशंस है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको एनिमेशन पसंद आती है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।